हेलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉब्लम 7.3। इसमें कह रहा है PCl5, PCl3 एंड Cl2 आर एट इक्विलिब्रियम एट 500 केल्विन एंड हैविंग कंसंट्रेशन 1.59 मोलर PCl3 है, 1.59 मोलर Cl2 है एंड 1.41 मोलर PCl5 है। और ये कब है? इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, कैलकुलेट द केसी फॉर द रिएक्शन। ठीक है, ये दोस्तों ये कोई रिएक्शन दे रखी है और उसका केसी निकालना। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, रिएक्शन को ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है, और केसी इक्वल टू होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। केसी इक्वल टू होता है, देखो यहां पे प्रोडक्ट क्या बन रहा है, PCl3 एंड Cl2। ठीक है, तो इनको ऐसे लिखना PCl3, इसका कंसंट्रेशन क्या है। ठीक है, केसी में देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक पार्शियल प्रेशर के टर्म में और एक कंसंट्रेशन के टर्म में, तो ये है केसी कंसंट्रेशन के टर्म में। ठीक है, और Cl2 ठीक है ना, और अपॉन PCl5। ठीक है, अब यहां पे देखो स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है 1 है 1 है। ठीक है, तो यहां पे भी 1 है 1 1 1। ठीक है, अब देखो केसी, अभी इनकी वैल्यूज पुट करो। PCl3 दे रखा है 1.59। ठीक है, मोलर लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, डायमेंशनलेस आएगा। ठीक है, चाहिए 1.59। ठीक है, और 1.41। क्लियर, अब इसको सोल्व कैसे करोगे बताओ, बोलो। देखो इसको सोल्व करोगे तो 1.59 इंटू 1.59 ठीक है 1.41। ठीक है, इन ऐसे क्वेश्चन आए ना तो सबसे पहले इनकी पॉइंट्स को हटा लिया करो। देखो दो पॉइंट ये हट गई, दो पॉइंट ये हट गई। अब इसके दो पॉइंट हटाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, यहां 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पॉइंट हटते कैसे, जैसे 1.5 है ठीक है और यहां पे कुछ 1 है। ठीक है, तो इसको हटाने के लिए क्या करो, 10 से मल्टीप्लाई बोथ साइड में, तो यहां 10 से मल्टीप्लाई किए तो ये तो हट गया, नीचे 10 आ ही गया, समझ में आया। ठीक है ना, अब इसको क्या करोगे, अब देखो पॉइंट इसको 3 से मल्टीप्लाई वो करो, 3 5 15 और 3 3 9, 3 4 12, तो 3 7 21 47। ठीक है, तो ये आ गया के सी इक्वल टू 53 इंटू 1159। ठीक है, 47 ठीक है इंटू 100। ठीक है, के सी इक्वल टू, अब इसका कोई चारा नहीं है, इसको मल्टीप्लीकेशन करना और फिर इसका डिवाइड, इसमें कोई कट भी नहीं रहा। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लीकेशन करना है और फिर इनका डिवाइड करोगे, 1.79 आ जाएगा इसका के सी की वैल्यू। समझ में आया दोस्तों?